2 जून की रोटी कैसे मिलेगी अंधशकों को। साथियों, यहाँ पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है शिक्षा विभाग से। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे इनकी इस दर्दनाक तस्वीर को देखकर, उस दर्दनाक वीडियो को देखकर जिसमें मास्टर साहब मजदूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे आज के इस वीडियो में पूरा वाक्या, पूरा समाचार, पूरी कहानी, अंधेशकों की दर्द भरी वो कहानी जिसे देखकर आपका भी दिल रो उठेगा। शुरू करते हैं आज का ये खास समाचार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। पहले प्रमुख समाचार, अंधेश्वर शिक्षा मित्र कम मानदेय के चलते मजदूरी करने पर मजबूर। 1 जून से 30 जून तक नहीं दिया जाता अंधेश्वर शिक्षा मित्रों को मानदेय। अंधेश्वर अपना दर्द लगातार योगी मोदी जी तक बयां कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मई में मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय 9,000 बाकी एरियर के रूप में, हिमांशु वर्मा अंधेश्वर लीडर। इसी हफ्ते आ सकता है अंधेश्वरों का बढ़ा हुआ मानदेय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंधेशक न्यूज में। साथियों, आपको हम इस समाचार के माध्यम से वो पूरी खबर, पूरी कहानी बता रहे हैं अंधेशकों की। सबसे पहले हम वो ब्रेकिंग न्यूज जिसे इंडिया टुडे ने प्रमुखता से छापा है, यूपी में 31,000 अंधेशकों के लाखों परिवार भूखों मरने की कगार पर। साथियों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे इस समय जून का महीना चल रहा है और 1 जून से 30 जून तक अंधेशकों को कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। ये एक बहुत ही बड़ी दुख भरी खबर है अंधेशकों के लिए, और असफलता है ये यूपी सरकार की, असफलता है ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की। एक दर्दनाक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं साथियों। यहाँ पर एक पोस्ट की गई है अंधेशक शिक्षक के द्वारा, उसमें लिखा है, मैं एक अंधेशक हूँ, यूपी सरकार ने हमें 1 महीने के लिए कार्य मुक्त कर दिया है। अब 2 जून की रोटी कमाने के लिए मैं एक पोताई करने वाले को अपना साथी बना लिया है। इस सरकार में मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छे दिन आएंगे। अब देख रहे हैं आप, कहीं पोताई करते हुए नज़र आ रहे हैं तो कहीं अंडे बेचते हुए, ये देख सकते हैं आप अंधेशक अंडा कार्नर। 6 दिन हैं इन शिक्षकों के, इन राष्ट्र निर्माताओं के, इन बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत उन गुरुजनों के जो देश के नौनिहालों को तैयार करते हैं और देश का भविष्य तैयार करके हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना खून पसीना तन मन धन से लगाते हैं। ये सिला दिया गया है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अंधेशकों को। आज तक इनकी समस्या हल नहीं हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं लगातार मीडिया के माध्यम से अंधेशों की समस्याओं को उजागर किया जा रहा है, लेकिन ये बात सरकार जानबूझकर अनदेखा कर रही है, उनके कान पर जून तक नहीं रख रही है। इसको क्या कहेंगे, इसको प्री प्लान कहेंगे सर। कुछ चंद अफसरों की बहकावे में आकर सरकार अंधेशकों के साथ ये ज्यादती कर रही है। मुसीबत में अंधेशक, घर का खर्चा चलाना मुश्किल, अंधेशकों के दुख को नहीं समझ रही है उत्तर प्रदेश सरकार। अब साथियों, यहाँ पर हम ट्वीट ले रहे हैं विक्रम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अंधेशक संघ का। उन्होंने लिखा है, आज से यानी कि 1 जून से 30 जून तक अंधेशक बेरोजगार रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार बताने का कार्य करेगी कि इस जून के महीने में 27,000 अंधेशक किसके यहाँ नौकरी करने जाएं। एक बड़ा सवाल है, लगातार ट्विटर के माध्यम से अपना दर्द बयां कर रहे हैं अंधेशक शिक्षक। एक और ट्वीट लेते हैं चंद्रभान सिंह द्वारा, ये किया गया है, यही सब चीज़ें तो देश विदेश में हंसी का पात्र बनाती हैं, इसलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश पहले तो अंधेशकों को आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर कर दो कि सिर उठाकर चल ही ना सकें, और इसके बाद 1 महीने का वेतन मत दो। अंधेशकों के खिलाफ साजिश हो रही है। अंधेशक शिक्षिका ज्योति धोरे ने लिखा है, अंधेशकों को बंधुआ मजदूर समझा है, 11 माह का मानदेय देकर 1 माह के लिए बेरोजगार बनाकर हमारे और हम जैसे सभी अंधेशकों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है सरकार। अंधेशकों को नियमित करो योगी सरकार।
अब साथियों हम वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसे देखकर आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा, आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि वो अनुदेशक नरेगा की मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं अपने बीवी बच्चों के साथ। देखते हैं इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है सरकार से और किस तरीके की मदद मांग रहे हैं, वो किस तरीके की गुहार और फरियाद लगा रहे हैं। देखिए भाइयों, ये भी मास्टर साहब भी आए हैं, इनकी पत्नी जी भी आई हैं, ये दोनों अपनी जीवन यात्रा चलाने के लिए नरेगा में काम करने के लिए आए हैं। सरकार से गुजारिश है कि इनको इनके लिए कुछ देखा जाए। तो सरकार आपके लिए कुछ सोच नहीं रही है? सरकार बहुत उम्मीदें हैं हम लोगों को, में हम लोगों का मैटर जो है लंबित पड़ा हुआ है, डेट लगी हुई है, अब 11 जुलाई को है सुनवाई है। मार्च 2017 से हम लोगों को 17 आज़ाद हो गया मान लीजिए। तो केंद्र सरकार जो है अपना केंद्रांश दे रही है, राज्य सरकार कह रही है हमको मिल नहीं रहा, इसी पर जो है दोनों हम लोग का जो है कोर्ट में काम चल रहा है, लगे हुए हैं। डॉक्टर केपी सिंह जो है हम लोगों को पक्ष रख रहे हैं, बहुत कुछ रोकी उनको, हम लोग साथ उनको देने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लोग की मजबूरी समझ करके वो निःशुल्क हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जी हाँ, तो देखो आगे क्या होता है, क्या होती है, अपना रोजी रोजगार शुरू जो है यहाँ पर आके लगेगी। चलिए दोस्तों, ये मास्टर साहब अपनी आप बीती बताए। देखिए ये नरेगा में मजदूर लगे हुए हैं, ये तालाब का काम चल रहा है। तो ये थे पवन कुमार अनुदेशक प्रतापगढ़ से। साथियों, पापी पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, इसे कौन समझेगा। साथियों, ये समाचार हमने आपको दिखाया, सोशल मीडिया के द्वारा वायरल हो रहा था, मैंने अपने चैनल के माध्यम से कोशिश की आप तक पहुंचाने की, कहीं ना कहीं ये दर्द सरकार तक पहुंचे और दिल पसीजे उनका, कहीं ना कहीं दया आ जाए तो हो सकता है हमारा सबका काम हो जाए। तो ये थी आज तक की खास खबरें। एक और सूचना साथियों, लगातार 1 वर्ष होने जा रहा है स्पेशल कवरेज न्यूज़ के माध्यम से अनुदेशकों के मुद्दे को उठाते हुए। ये काम अनुदेशकों के देवतुल्य श्री शिव कुमार मिश्रा जी लगातार कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम रोज़ 8 बजे उनके स्पेशल कवरेज न्यूज़ से जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों के लिए जोड़ें, अपनी बात रखें कमेंट के रूप में और लगातार संघर्ष जारी रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।